नमस्कार, मैं हूँ रंपा आत्मा और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है फरुखाबाद से। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कमालगंज फरुखाबाद में आगमन, उप मुख्यमंत्री का जनपद में आगमन। जनपद फरुखाबाद ब्लॉक कमालगंज के मुख्य मार्ग में फूल मालाओं से स्वागत किया गया, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम, बड़ी संख्या में पुलिस बल COSO भी मौके पर तैनात रहे। कमालगंज चौराहा पर जोरों से मंत्री का स्वागत किया, लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और बड़ी दूर से लोग देखने आए, हाथों में BJP झंडा थामे हुए और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और बहुत से लोगों ने हाथ भी मिलाया, फूल भी दिए और बड़ी माला से स्वागत किया गया। किसानों ने जनपद को सूखा घोषित करने की गुहार लगाई, कई महिलाएं पैरों पर गिरी, वही महिलाओं ने गाड़ी को रोक कर फरियाद सुनाई, अतिक्रमण को दीपावली तक रोका जाने के निर्देश दिए, कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी और पहले से ही सूचित किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद गुलफार के साथ रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ सलमान खान फरुखाबाद। अतिक्रमण में जाते अतिक्रमण को लेकर के भी निर्देश दिया गया है कि दीपावली तक अभी कोई अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम नहीं चलेगा और दीपावली के पश्चात व्यापारियों के साथ बैठक करके और उनको जानकारी दे करके कहाँ सरकार की भूमि कहाँ तक है, कितना उनको खाली करना है, जिससे फरुखाबाद केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छा बन सके। लेकिन यह सहमति के आधार पर आगे अभियान जब भी चलेगा व्यापारियों के साथ बातचीत करें। समाजवादी पार्टी का सम्मेलन शुरू हुआ है, अखिलेश जी ने कहा कि जो समाज बांटने वाली चीज चाहते हैं उनसे उन्हें किनारा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के लिए सम्मेलन कर रही है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके चार जो चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा 2014, चाहे 2017 विधानसभा, चाहे 2019 का लोकसभा और चाहे 2022 का विधानसभा, उनके दावे, जनता ने उन दावों की हवा निकाल दिया, चार चुनाव में चारों खाने चित कर दिया।